सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। ये तो आपको पता ही है कि अपने हिंदू धर्म में पूरे साल त्योहारों का आना जाना चलता ही रहता है, लेकिन जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं और धर्म कर्म की और आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो महीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है हमारा कार्तिक मास। ये पूरा महीना विष्णु जी और शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित होता है। शरद पूर्णिमा से ये महीना शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। सबसे ज्यादा त्योहार भी इसी महीने में आते हैं और त्योहारों के अलावा और भी बहुत से पूजा पाठ, जप तप, व्रत नियम करने का विधान इस महीने के लिए बताया गया है। कहते हैं कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसीलिए इस पूरे महीने में विष्णु जी, लक्ष्मी जी और तुलसी जी की पूजा का बहुत महत्व है। बहुत तरह के जप तप और व्रत इसमें किए जाते हैं। छोटी सांकली, बड़ी सांकली, तारा भोजन, कार्तिक स्नान, पच भीखू, बहुत तरह के व्रत होते हैं जिनमें से आप कोई भी जो आप कर सकें वो कर सकते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो सुबह सूरज उगने से पहले उठकर स्नान करते हैं और फिर उसके बाद तुलसी, पीपल पथवारी वगैरह की पूजा करते हैं, कहानियां सुनते हैं और भजन करते हैं। इस महीने में दान पुण्य और दीप दान का भी बहुत महत्व है, तो इनमें से जो भी काम आप कर सकें, जितना भी कर सकें, वो आपको जरूर करना चाहिए। इसमें किया गया छोटे से छोटा पुण्य भी कई गुना ज्यादा फलदायी होता है। चाहे आपको सांसारिक सुखों की इच्छा हो या संसार के बाद मिलने वाले सुख यानी मोक्ष और मुक्ति की। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी खुले हाथों और खुले दिल से खजाना लुटाते हैं, इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप तप, पूजा पाठ, दान, व्रत जो भी कर सके वो जरूर करें। शाम को तुलसी जी के आगे घी का दिया जलाएं और आरती और भजन गाएं। अगर पूरा महीना नहीं भी कर सके तो दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप भजन पूजन करें और इस माह की बहुत सी कहानियां होती हैं, अगर उन्हें सुने तो भी आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सुबह आपके लिए ये सारी कथाओं को कहना और सुनना जरूरी होता है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो दिन में किसी भी वक्त समय निकाल कर आप इनमें से सारी या कुछ कथाओं को सुन सकते हैं। ये सारी कथाएं अनंत फल और सुख देने वाली हैं। क्योंकि ये बहुत सारी कथाएं होती हैं, इसलिए इसमें हर कथा के बाद गणेश जी की कथा नहीं कही जाती। आप चार या पांच या सारी कथाएं सुनने के बाद गणेश जी की कथा भी कह सकते हैं। वैसे तो मैंने हर कहानी का अलग अलग वीडियो ही बनाया है। कार्तिक स्नान करके सुबह सारी कथाएं जिन्हें सुननी होती हैं, उनकी सुविधा के लिए मैंने इन सबको मिलाकर एक सिंगल वीडियो भी बनाया है, ताकि आपको चैनल पर भी बार बार अलग अलग वीडियो ना चलाने पड़े। एक ही बार चलाकर आप सारी कहानियां एक ही बार में सुन पाए। और ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हें कार्तिक स्नान करें और तभी सुने। अगर आप दिन में भी किसी टाइम इन्हें सुन सकते हैं तो ये उतना ही फल देने वाली होती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में बहुत सुदियां उठ के गंगा जी नहान जाती। वह पराए पुरुष को मुंह कोनी देखती। बठी ने एक राजा को लड़को भी गंगा जी नहान जातो। राजा को लड़को कहतो, मैं इतनी सुदियां नहान आऊं हूं और मेरे से भी पहली कौन नहा के जागे है। 5 दिन कार्तिक का रह गया। जिके दिन साहूकार की बहू तो नहा के जावे थी, राजा को बेटो आवे थो। पीछे वह खदका सुनकर जल्दी सी जान लागी जिकी आपकी माला मोचड़ी बठई भूलगी। पीछे भी राजा को बेटो माला मोचड़ी देखी। जब वो देख के बोलो कि माला मोचड़ी इसी सोवनी है तो पहरन वाली तो के बेरो किसी की सोवनी होसी। पीछे सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि जिकी की माला मोचड़ी है, जिकी मेरे कने 5 रात आवेगी, जद मैं भी की माला मोचड़ी पाची देऊंगा। जद वह कुहा दियो कि मैं तो 5 रात आ जाऊंगी, पण कोई ने साख भरन खातर बैठा दियो। जद वो राजा उठे सुए को पिंजरो टांग दियो और आप उठे गंगा जी पे बिछावना करके बैठ गयो। उठीने से साहूकार की बहू आई, पहली पैड़ी पर पग धरो। जद बोली, हे कार्तिक का ठाकुर राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, भी पापी हत्यारे की नार तोड़ दियो, बिने नींद आ जाइयो। यदि मैं सत की हूँ तो मेरो सत राख दियो। बस बिने तो नींद आ गई और वह नहा धोके जान लगी। जद सुए ने बोली, सुआ सुआ सूवटा, गले डालूंगी हीरा, साख भरिए मेरा बीरा। जद सुओ बोलो, पापनी हत्यारनी, कोई बीरा भी साख भरया करे है के। जद वह बोली, सुआ सुआ सूवटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर।
जद सुवो कयो, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। बस बातों कहकर चली गई। उठी ने राजा को बेटो उठ्यो। उठकर सुवे से पूछो कि सुवा सुवा वह आई थी के? जद सुवो बोलो कि हाँ आई थी। किसिक थी? जद सुवो बोलो आवा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामड़ी, गुलाब को सोरंग। जद राजा कयो भाई अच्छा आज तो मेरी आंगली चीर के लेट जाऊंगा, जिको नींद कोनी आन सकेगी। वो दूसरे दिन आंगली चीर के बैठ गयो। उठी ने वह आई। जद वह भैया ही भगवान से प्रार्थना करी, बस राजा ने नींद आ गई। वह नहा के चली गई और सुवे ने साख भरा गी। राजा उठ के सुवे से पूछो तो सुवो काल कई जय ही सारी बात कह दी। जद राजा बोलो आज तो मैं आंखा में मिर्चा घाल के बैठ जाऊंगा। जद वो रात ने मिर्चा घाल के बैठ गयो। बा आई नहा के चाली तो सुवे ने साख भरा गी। राजा उठ के पूछो सुवा सुवा वा आई थी के? जद सुवो कयो कि आई थी। जद राजा बोलो आज तो सूला का बिछावना करके बैठूंगा। रात ने सूला का बिछावना बना के बैठ गयो और वह नहा आई, आके भगवान से फिर बीती बात कही। जद राजा ने तो नींद आगी और वह नहा के जान लागी और सुए ने साख भरा के चली गई। राजा उठ के देखे तो वह तो फिर नहा के चली गई। सुए ने पूछो कि वह आई थी के? जद सुवो बोलो कि आई थी। जद राजा कहो आज तो मैं आगी की अंगीठी रख के बैठूंगा, जिको नींद को नहीं आन पावेगी, आगी के खीरा पे लौटूंगा। जद वो सिगड़ी रख के बैठ गयो। उठी ने साहूकार की बहू आई और भगवान ने कहो हे भगवान चार रात तो पूरी हो गई, अब आज की रात और निकाल दे, सतियां को सत राख दे। जब भी ने नींद आ गई वह नहा के चली गई। जाती जाती सुवे ने साख भरा गई और कह गई कि पापी हत्यारे ने कह दिए कि तेरी पांच रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घरा भेज देवगो। पीछे राजा सुवे ने पूछो कि वह आई थी के? जब सुवो बोलो कि आई थी और आपकी माला मोचड़ी पाछी मंगाई है। जद राजा देखी कि वह तो सत की थी, जिको भगवान भी को सत राख दियो। पीछे भी राजा के सारे शरीर में कोढ़ निकल गयो, जलू जलू पुकारन लाग्यो। जद राजा ब्राह्मणा ने भीला करके पूछो कि मेरे शरीर में इतनी जलन कहियां लाग गई? जद ब्राह्मण कहो कि तू कोई पतिवर्ता स्त्री पर पाप धर्यो है, जिके से लागी है। जद वो पूछो कि अब मैं ठीक कहियां होऊंगा? जद ब्राह्मण कहो कि बिना तेरी धर्म की बहन बनावे और उनके नहाड़े जल से नहावे, जद तेरो जलन कोढ़ मिटेगो। जद राजा बी की माला मोचड़ी लेकर बी के घरा गयो और साहूकार ने कहो यह माला मोचड़ी ले लो और बिना कह दो आपके नहाड़े जल से मने नुहा देवेगी। जद साहूकार बोलो कि वह तो पराए पुरुष को मुंह को नहीं देखे, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, जद वह नहावेगी जब तेरे पे पानी पड़ जावेगो। जद वो राजा बैठे बैठ गयो। जद वह नहाकर जल गेरो। जद राजा की काया कंचन सी हो गई। हे पच भीखू महाराज, जिसो साहूकार की बहू को सत राख्यो बिसो सबको राखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को सत राखियो, महारो भी राखियो। पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वो पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी वहां गंगा जी नहाने आता था। राजा का लड़का कहता कि जब मैं सुबह नहाऊं तो मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाना चाहिए। जब पांच दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर वापस जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर वो जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वो वहीं पर भूल गई। जब राजा के बेटे ने वो मोती की माला देखी तो बोला कि ये माला किसकी है? जब माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वो मेरे पास पांच रात आएगी तो मैं उसकी ये माला वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं पांच दिन आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा ने साख भरने के लिए एक तोते को वहां पिंजरे में टांग दिया। जब सुबह साहूकार की बहू आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वो मन ही मन बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, यदि मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, उस पापी को नींद आ जाए ऐसी कृपा करना। बस राजा को नींद आ गई और वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि मैं तेरे गले में हार डालूंगी, तू मेरी साख भरियो भाई। तब तोता बोला, कोई भाई भी साख भरा करता है? तब वो बोली, अच्छा मैं तेरे पैर में नेवर डालूंगी, तू मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब तोते ने कहा, ठीक है भाभी मैं आपकी साख भरूंगा। इतना कहकर वो तो चली गई। जब राजा उठा तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। तब राजा ने पूछा, कैसी थी?
तोता बोला कि अप्सरा जैसी थी, बिजली जैसा उसका रूप था और गुलाब जैसा उसका रंग था। अब राजकुमार ने कहा, आज मैं अपनी उंगली काट कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वो उंगली चीर कर लेट गया। सुबह साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने मन ही मन भगवान से फिर वही प्रार्थना की। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। उठकर उसने तोते से फिर पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला कि आज मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को वो आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सुबह जब वो आई, राजकुमार को फिर नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी, तो उसने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को वो बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो उसने भगवान से फिर वही बात कही और राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार ने उठकर देखा कि वो तो आज फिर नहाकर चली गई। तब वो बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वो रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे कार्तिक के राय दामोदर, आपने चार रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि उस पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी पांच रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। राजा के लड़के ने उठकर तोते से पूछा कि क्या वो आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वो तो सचमुच बहुत सतवंती थी, भगवान ने उसका सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया और वो तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि इसने किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसे ये रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा कि अब ये ठीक कैसे होगा। ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से बोला कि ये माला आपकी बहू की है, इसे वापस ले लो और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि वो तो किसी पराए पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दो, जब वो नहाएगी तो उसके ऊपर पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और जब वो उसके नहाए हुए पानी से नहाया तो उसकी काया फिर से चंदन जैसी हो गई। हे पच भीखु देवता, जैसा आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते उंगारा भरते अपने सारे परिवार का रखना।